हजारों साल पहले राजा दशरथ अपनी तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई और उनके चार पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या नगर में रहते थे। मैं राजा दशरथ इस सभा में ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे राम का राज्याभिषेक आने वाली तिथि में तय करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन मंत्रा के मन में उतनी प्रसन्नता ना थी। क्या तुम खुश हो केकई कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है? हाँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ मंत्रा। क्या तुम्हें कौशल्या की दासी बनना मंजूर है? मंत्रा, क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ, राम बन जाएगा राजा, कौशल्या करेगी राज, तुम बन जाओगी दासी और भरत बनेगा राम का दास। यह बात सुन के कई ने त्याग दिया खान पान और श्रृंगार, रूठी रही को भवन में स्थित कर भरत को राजा बनाने की ठानी। राजा दशरथ से की बात, मांगा अपना वरदान, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 साल का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बात मान अपने पिता की, रख के वचन की लाज, चले राम सीता लक्ष्मण काटने अपने 14 साल का वनवास। राम जी और लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां काटने जाते हैं, तभी वहां जिसका नाम शूर्पणखा है वो आती है। राम जी और लक्ष्मण जी लकड़ियां काटते हुए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं देवी, मैं नहीं चलूंगा, तुम मेरे अनुज से पूछो। मेरे साथ चलोगे? नहीं, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहां से। तुमने मुझे मना किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लक्ष्मण बाण से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। रोते बिलखते शूर्पणखा अपने भाई के पास जाती है और अपनी व्यथा सुनाती है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या की जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मैं लंकेश, लंकापति रावण, अपनी बहन का बदला लेके रहूंगा।
माता सीता वन में फूल तोड़ते हुए एक हिरन देखती है और राम से उन्हें लाने के लिए कहती है। राम उसके पीछे जाते हैं। सुन के चीख राम की, सीता हुई विचलित, बोली, लक्ष्मण से प्रभु को है तुम्हारी जरूरत। सुन सीता की बात, लक्ष्मण ने खींची रेखा, कहा कि मत लांगना ये रेखा, चाहे कोई भी हो काम। ये कह लक्ष्मण चले वन की ओर, पा सीता को अकेला, साधु वेश धारण कर रावण आए भिक्षा मांगने। भिक्षाम देही माता। प्रणाम मुनिवर, यह लीजिए। ये क्या देवी, इस रेखा को पार कर मुझे भिक्षा दो। नहीं, मैं यह रेखा नहीं लांग सकती, पर मैं आपको नाराज भी नहीं कर सकती, यह लीजिए। मैं लंकापति रावण तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। बचाइए प्रभु, बचाइए। माता सीता की पुकार सुन राम लक्ष्मण जब घर आते हैं तो सीता को कुटिया में नहीं पाते हैं। राम लक्ष्मण चले वन की ओर करने सीता की खोज। ऋषिमुख पर्वत के पास हुई श्री राम और हनुमान की भेंट। राम राम। प्रिय अनुज हनुमान, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है सीता की खोज में। राम जपत रहा मैं, स्वयं राम को अपनी समक्ष है पाया। कैसे ना करूं मैं अपने प्रभु की सहायता, भक्त किस नाम का मैं जो अपने प्रभु के काम ना आया। राम लक्ष्मण खड़े संग आए हनुमान, दी मणि हनुमान को सीता के लिए समाचार। आ रहे हैं तुम्हें वापस ले जाने अपनी नगरी, रखना अपने नाथ पर विश्वास। अंग संग सब साथ मिले, वानर सेना राम जप कर पत्थर पर लिखते चले। सेतु बन पार किया, श्री राम जय राम कह चले। लंका में लड़ाई की घोषणा की, कर दिया ऐलान, रावण का वध कर सीता को ले चलेंगे साथ। बनाई योजना, कैसे करे रावण को परास। शंखनाथ ध्वनि से युद्ध आरंभ हुआ, किया रावण को परास्त। हुई अच्छाई की जीत और बुराई की हार, छुड़ाया सीता को रावण की कैद से, चले लंका को पार कर आज। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता राम भज प्यारे।